हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है इसमें, डिवेंचर्स। डिवेंचर में आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट। कंपनियां जब डिवेंचर इशू करती हैं, इसका क्या मतलब होता है? फंड पैसा कलेक्ट करने के लिए करती हैं, यही है। अब इस पर उनको कुछ ब्याज देना होता है। ब्याज जैसे यहां पर लिखा हुआ है 12%, 4,000 डिवेंचर एट रेट ₹100। इसका क्या मतलब हो गया, कितने डिवेंचर हैं? 4,000 × 100, मतलब 4,000 डिवेंचर हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 लाख। अब इस पर कंपनी को क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां लिखेंगे 4 लाख × 12 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 48,000। क्या बात समझ में आ रही है? कितना इंटरेस्ट देना है? 48,000। तो एंट्री क्या करते हैं बताओ? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। अब आप की बुक में तो जो लिखा है, या हमको नाम नहीं पता होता किन किन डिवेंचर होल्डर का करना है, हम यहां पर लिख देते हैं टू डिवेंचर होल्डर। कितना रुपए है? 48,000। और फिर इनको भुगतान कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। कैसे करते हैं? इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। गजब। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 48,000 टू बैंक अकाउंट 48,000। ऐसा होता है। डिबेंचर को क्यों क्रेडिट कर, इंटरेस्ट को क्यों क्रेडिट कर देंगे? इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, उसको क्रेडिट करने का मतलब है उसको खत्म करना। तो कहां ले जाते हैं उसको? क्लोज करते हैं ले जा करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसको भी क्लोज कर देंगे, वो क्या होगा बताइए? SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 48,000 टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 48,000। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं ना? इसको रब करते हैं। इसी में कभी कभी TDS काटा जाता है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जो 48,000 देने हैं, इस पर हो सकता कुछ परसेंट TDS काट लिया जाए। TDS सपोज करिए TDS दिया है 10%, तो 48,000 जो इंटरेस्ट होगा उसका 10% कितना हो जाएगा? 4,800। ये TDS काट लेते हैं। TDS काट लेते हैं, इसको फिर जमा कराते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में।
और जिसका टीडीएस काटे होते हैं उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। मतलब अगर मान लो ये एक ही आदमी को देना है तो उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि हम भैया तुम्हारा 48,000 का इंटरेस्ट है, 48,000 में से हम 4,800 डिडक्ट कर रहे हैं, 0,0,2,3, उसको 43,000 बैंक से चेक से कैसे भी पेमेंट कर देंगे। और ये जो 4,800 है इसको उसी के नाम से, उसके पैन से, होता है ना परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके पैन पे ले जा करके जमा करा देंगे। पैन नंबर अगर आप जानते हो तो उसको पैन नंबर नहीं कहते, सिर्फ पैन कहते हैं। ये देखिए, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि गलत बोल रहा है, इसका अगर फुल फॉर्म करेंगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर, अब इसको आगे नंबर भी लिख देंगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर नंबर दो बार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसके पैन पर ले जा करके जमा करते हैं और उसको उतने का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर इनकम टैक्स में उसका टैक्स की लायबिलिटी होती है तो एडजस्ट हो जाती, नहीं तो पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति को रिफंड कर देता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति को कितना दिया, 48,000 इंटरेस्ट दिया, लेकिन दो तरीके से, एक तो सर्टिफिकेट दे करके। तो यहां पर एंट्री कैसे होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से, 48,000 टू डिबेंचर होल्डर, अकाउंट कितना 43,200 टू टीडीएस पेएबल अकाउंट 4,800। ये क्या है, टीडीएस में पैसा जमा किया जाएगा। ठीक है, टैक्स में पैसा जमा किया जाएगा तो इसका नाम क्या रखा गया, टीडीएस पेएबल। ये आपकी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, ये भी एक लाइबिलिटी है, ये बढ़ गई, और ये आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ। बात समझ में आई? अब पेमेंट करने की बारी आएगी। पेमेंट कैसे करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, कितना, ठीक, टू बैंक कर देंगे, फिर ये पैसा जमा करेंगे। जो पैसा जमा करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, टीडीएस पेबल फोर्टी एट हंड्रेड टू बैंक। ध्यान रहे ये सब बैंक से ही पेमेंट होते हैं, नहीं डिबेंचर होल्डर को कैश दे दो। ठीक, आगे बढ़े। और फिर अब देखो, ध्यान देना है, जब भी हम एंट्री करते हैं तो ये समझना होता, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट था डेबिट होके खत्म हो गया, टीडीएस पेबल क्रेडिट था डेबिट होके खत्म हो गया, इतने पैसे बैंक से निकल गए, ये वाली एंट्री बच रही है, इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। कैसे करते हैं, राइट ऑफ का मतलब क्लोज कर देते हैं, एक्सपेंस को क्लोज किया जाता है एंड में जाकर के, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 48,000 और डेबिट क्या करते हैं, एस पी एल, अकाउंट मत लिखना इसके आगे, ध्यान से सुन लेना, एस पी एल अकाउंट नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, उसका नाम ही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही रुक जाता है, अकाउंट वर्ड डिलीट कर दिया गया वहां से, मतलब लिया ही नहीं गया है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था जब कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट और पीएल बनाते थे, तो अब उसी का नाम कह दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले वो टी शेप में बनती थी और अब वो वर्टिकल बनने लगी है, बात समझ में आ रही है, तो इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे, ना कि अकाउंट इसके आगे लिखेंगे, अकाउंट नहीं लिखना है, कंपनी एक्ट ने साफ शब्दों में मना किया है, अगर कहीं लिखा भी गया है तो वहां गलत लिखा गया है। ठीक है, अब सपोज करो, एक और क्वेश्चन कर लें इसी में,
फटाफट से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ प्रीमियम या इसका हो। ऐसे बना ले क्वेश्चन, बुक में तो ऐसे कुछ दिया नहीं दिख रहा है। कोई एक कंपनी है, मान लो बीजी लिमिटेड है, इन्होंने 4000 डिबेंचर इशू किया है एट रेट ₹100 और प्रीमियम भी इसमें लिया है इन्होंने ₹10 का। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हो गया 100 + 10 = ₹110 में इशू किया है। इसकी एंट्री कैसे करते हैं? पैसा आता है तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 30 करोड़। ठीक, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,40,000। ठीक, अगली एंट्री कैसे करते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,40,000 से टू इसका कितने परसेंट लिखा? लिखना ही भूल गए, 10% लिख देते हैं। 10% डिबेंचर अकाउंट 4,00,000 दिख रहा पूरा। टू क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। ठीक, अब अगली एंट्री क्या होगी? ये तो हो गया पहले का, अब हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करेंगे? कुल उससे लिया हमने 4,40,000, इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। मान लो इंटरेस्ट कितना है, 10% का है, ऐसे तो करेंगे ना, ऐसा नहीं करते हैं। जितना हमने डिबेंचर में क्रेडिट किया है, ठीक है, ये मुझे उनको वापस करना है। तो यहां पर 4,00,000 होगा × 10/100, तो कितना हो जाएगा? 40,000। बात समझ में आ रही? अब इसको क्या करेंगे हम? वही वाली एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 से टू डिबेंचर होल्डर। यहां पर मान लो हमने टीडीएस लिया है, कितना? 10%। तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000। तो यहां पर डिबेंचर होल्डर को सीधे सीधे जो पेमेंट करेंगे 36,000 टू टीडीएस पेबल 4,000। अब पेमेंट करेंगे इनका किया जाए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने से? 36,000 टू बैंक अकाउंट 36,000। टीडीएस का भी पेमेंट करेंगे, ये होगा टू बैंक अकाउंट 4,000। इसके बाद लास्ट में इस एंट्री को राइट ऑफ कर देते हैं। कैसे करेंगे?
टू डिबेंचर इंटरेस्ट 40,000, SPL डेबिट 40,000 हो गया। कोई दिक्कत है? तो मुझे लगता है डिबेंचर अब पूरा होता है, कुछ बचा तो नहीं इसमें ना। आगे फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।